नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हटेला न्यूज। फिर से झारखंड में एक बार शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। किराएदार को बाप बेटों ने रेप किया, दुष्कर्म किया और महिला जब उसका विरोध करने पर दोनों बाप बेटे ने धमकाया कि गायब कर देंगे, मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद पीड़िता ने पुलिस FIR कराई, पुलिस आई, मामला की जांच छानबीन की। छानबीन करने के बाद दोनों बाप बेटों को अरेस्ट करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामला क्या है विस्तार से जानते हैं। मामला ये है कि खेलगांव थाना क्षेत्र के गाड़ी गांव का रहने वाली एक महिला जो अपने पति के साथ किसी के घर में किराए के रूप में रहती थी, उसको उस घर वालों ने अकेला पाकर दिन के दोपहर में उनके साथ बड़ा ही बेरहमी के साथ उनके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के पश्चात उनको कहा कि अगर तुमने ये मामला किसी को बताएगी तो हम तुमको जान से मार देंगे, गायब करवा देंगे। जैसे ही उनके पति काम करके घर वापस आए, सारे मामला ने पत्नी ने अपने पति को बताया और पति को बताने के बाद ये जब मामला जब रखा गया तो जिस घर में वो लोग किराए के रूप में रहते थे उसके मालिक को जब बताया गया तो वो लोग कहा कि अगर तुम इस मामले में अगर किसी प्रकार कुछ करेगी, पुलिस को जानकारी देगी या कुछ और करेगी तो हम तुम्हें मरवा देंगे। घटना ये है कि जिस घर में वो महिला रहती थी किराए के रूप में, वो अगर तुलसीदास से ठेकेदारी का काम करता है और उसी के घर में ये दोनों मियाँ बीबी उसके घर में किराए के रूप में रहते थे। जब उनके पति काम करने के लिए दिन में वो बाहर चले गए तो महिला घर में अकेली थी और उस ठेकेदार का बेटा जब उस महिला को देखी कि घर में कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली है, तो उन्होंने वहाँ पर घुस गया और घुस जाने के बाद ज़बरदस्ती उनके साथ रेप किया और रेप करके उनको कहा कि ये मामला कभी भी किसी के पास नहीं होना चाहिए, अगर तुमने किसी को बताने की अगर कोशिश की तो हम तुम्हें जान से मरवा देंगे। उसके बाद वो महिला बिल्कुल शांत रही। जैसे ही पति काम से वापस घर के लौट आई, लौट आने के बाद पत्नी ने सारी मामला को अपने पति को बताया और बताने के बाद जब पति पत्नी जिस किराएदार के यहाँ जब सारे मामला को सुनाने के लिए गए, यानी उस जो अपराधी है उसके पिताजी को, तो उसके पिताजी ने भी कहा कि अगर ये मामला अगर पुलिस तक पहुँची तो तुम्हें गायब करवा देंगे, जान से मरवा देंगे। इसके बाद वो बिल्कुल माउस हो गई। पुलिस आई, घटना की जाँच भी की। उसके बाद से दोनों बाप बेटों को अरेस्ट कर लिया गया है। 2019 से लेकर 2021 तक में अब तक का जो रिपोर्ट आया है रेप का मामला वो झारखंड में लगभग 14,000 है, यानी 14% अब तक का रेप का मामला वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सरकार इसमें किसी भी तरीका से कोई अंकुश लगा नहीं पा रहा है। कहना ये है कि अगर इस प्रकार की कोई भी महिला घर बार अगर छोड़ के पति अगर कहीं बाहर कमाने के लिए चले जाए और महिला अगर घर में रहती है और उनका अगर जान का हिफाजत ना हो, उनका जिस्म का हिफाजत ना हो, उनका इज्जत का हिफाजत ना हो, तो फिर क्या होगा। और हम ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहां पर कि इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा देखा जाता है, लेकिन अब वैसा देखने को नहीं रहा है। लोग किसी को भी अपनी हवस का शिकार बना देते हैं और जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं, भयभीत है कि लोग महिला खास करके अपने घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, अकेला रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको 24 घंटा इस बात का डर लगा रहता है कि कोई मेरा जिस्म का शिकार ना बना ले, कोई गिद्दड़ आके मेरे को ऐसे नोचने ना लगे जिससे कि मैं खुद को बचा ना पाऊँ। इस घटना को सुनने के बाद आपका क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही मेरा न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि मेरे नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।